नमस्कार, आज बनाएंगे खमनी। खमनी बनाने के लिए मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने भिगो के रख दिया था। एक कटोरी मैंने दही लिया है, दो तीन हरी मिर्ची ली है और अदरक का टुकड़ा लिया है, दो तीन लहसुन लिया है और एक चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच हल्दी ली है। अभी गैस को ऑन करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में एक लोटा पानी डालेंगे, गर्म होने के लिए उसको ढक्कन रखेंगे। अभी चने के दाल को पीस लेने का है। उसके अंदर दही डाल देंगे, करके हरी मिर्ची डाल देंगे। अभी अदरक डाल देंगे। अभी उसमें लहसुन ऐड कर देंगे, नमक डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें, पीस लेंगे। ये देखो मैंने उसको ये इस तरह से पीस लिया है। अभी उसमें बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे। अभी एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे एक चम्मच। ये देखो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का बेकिंग सोडा। ये देखो फूलने का चालू हो गया है इसका। एक बाउल को तेल लगा लेंगे, वो मिश्रण वो बाउल में डाल देंगे। देखो एक बाउल में डाल दिया है मैंने। ये देखो अच्छी तरह से हिला लेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अभी उसमें ये रख देंगे। अभी उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे 15 मिनट के लिए। ये देखो अभी देखो खोल के देख लेंगे। ये देखो अच्छी तरह से पक गया है। अभी उसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल लिया है मैंने। अभी उसका
छोटा छोटा टुकड़ा कर। अच्छी तरह से बन गया। अभी उसको हाथ से बारीक कर लेंगे। ये देखो अच्छी तरह से बारीक कर। ये देखो मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है बारीक। अभी उसको फ्राई करेंगे। अभी एक चम्मच मैंने राई लिया है, एक चम्मच तिल लिया है, दो कटा हुआ मिर्ची लिया है और एक तीन चम्मच मैंने शक्कर लिया है और कड़ी पत्ता लिया है एक कटोरी और हरा धनिया लिया। अभी उसको फ्राई करेंगे। अभी फ्राई करने के लिए गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद उसमें तेल ऐड करेंगे दो चम्मच। तेल को अच्छी तरह से गरम करना है। अभी उसमें राई डाल दें, उसमें तिल डालेंगे। हरी मिर्ची डालेंगे, पत्ता ऐड डालेंगे स्वाद के लिए। शुगर डालेंगे, फिर उसमें पानी ऐड करेंगे। अभी वो ढोकला उसमें डाल। ये देखो तैयार हो चुका है। अभी एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी ऊपर से हरा धनिया डाल दो। लाइलम से ये देखो खमनी तैयार हो चुकी है।